हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये 5000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 27 है और ये स्पेशली मैं जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे IBACI हो गया, MTS आपका चल रहा है, MP पटवारी आने वाला है, MP पुलिस भी आपका आने वाला है। तो दोस्तों, ये ज़रूर देख के जाना, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी मैं पार्ट जो भी लेके आऊँगा सारे ऐसे लेके आऊँगा जो कि आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाले हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। वैसे हम अपने 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट रखेंगे और जो भी दोस्त कभी अभी तक एग्ज़ाम नहीं है तो वो भी देखता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी के आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए उनका मैसेज आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशिक। तजाकिस्तान में है दोस्तों। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। फ्रांस की बोर्ड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? केलू। नेक्स्ट 5, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? सुवर्णरेखा एवं खरकाई। 6, परवाल बत्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेरी। 7, तटीय परवाल बत्तियों एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वॉनर झील में। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। 10, रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। 12, उष्मा मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया में। सॉरी, मैं तो निशान नहीं रहा दोस्तों, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं सुबह को बस एक वीडियो बनाता हूँ, अभी बस पूरे दिन में यही बन रही है। मैं देखता हूँ, अगर और सही होती है तो मैं और भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। 14, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। 15, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दक्षिण पूर्व एशिया में रबर किस स्थान से लाया जाता है? अमेजन बेसिन से, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश भी चीन है दोस्तों। इजमीर की घाटी जो अफीम है, सॉरी, कि कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? टर्की में। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत। चाय के निर्यात में भारत को किस देश के कड़ी प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ता है? वो श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग है दोस्तों, फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी, कृषि से। और लास्ट वाला, संघ खेती के लिए खेती क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचाई, सिंचित जोन होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? अमेरिका। 24, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? अनेटवर्क वर्क, ठीक है। 25, विश्व का बृहत्तम मत्स्य अरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। 26, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात की कर क्या कहलाता है? कार्यक घनत्व। पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का स्रोत यह हो गया एशिया है, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है दोस्तों? वो एशिया, मैंने पहले बता दिया। भारत एवं चीन वर्तमान में जन की संक्रमण किस अवस्था में गुजर रहे हैं? तृतीय। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। और दक्षिण एशिया का सबसे घना
बसा देश कौन सा है, वो भी बांग्लादेशी है। किर्गिज कहाँ की कुमकड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश, मध्य एशिया की, सॉरी सॉरी आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजातियाँ के लोग रहते हैं, कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, एस्किमो। लास्ट वाला था दोस्तों 35वां क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम 36। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है, क्रिस्टीन। 37वां जायरे का आधुनिक नाम क्या है, कांगो गणराज्य। बोस्तवाना का प्राचीन नाम क्या है, बेचू ऑनलैंड। ठीक है, किसी देश का प्राचीन नाम का रमोसा है, ताइवान का दोस्तों। और आपका ये एक बीच में आ गया क्वेश्चन, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है, तुर्की को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन सा देश है, एथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, 41। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, स्वेज नहर, इसको जहाज रानी नहर भी कहते हैं दोस्तों। यूरोप के किस देश का लघु यूरोप कहा जाता है, फ्रांस। स्वप्निय 44। स्वप्निय मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड। नीसी शहर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, लाहा सा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सिंगापुर। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहा जाता है, साओ पालो, साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा को कहा जाता है, कैन। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशतम देश, यानी कि लोक लैंड कंट्री, लैंड लोक कंट्री दोस्तों, जिसके चारों तरफ पानी नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब पानी का मतलब क्या होता है, ओशियन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, आप ये समझो कि जो मंगोलिया है, कौन सा है, मंगोलिया। ठीक है, इसके चारों तरफ कोई भी सी नहीं है, ओशियन नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये इसलिए लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, जिस भी कंट्री के चारों तरफ को ओशियन नहीं होता है उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं दोस्तों। यही थे आज के 50 क्वेश्चन, और प्लीज़ दोस्तों उसको थोड़ा कोऑपरेट करना, बहुत तबीयत ख़राब है मेरी। मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी एक वीडियो तो रोज़ बनाऊँगा। देखो भाई, अभी तो मैं वैसे आज तो थोड़ा ठीक सा भी हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करना। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरा थोड़ा और मन सा करेगा और वीडियो बनाने का। और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, धन्यवाद।